हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला पनीर, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला जो मैंने खुद तैयार किया है, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 4 टेबलस्पून ऑयल, 4 कच्चे टमाटर की प्यूरी, 2 प्याज बारीक कटा हुआ, 200 ग्राम पनीर। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने उसमें ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाला। प्याज थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद मैं अब उसमें सारे खड़े मसाले डाल दूँगी। तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और लौंग, ये सब मिक्स करके मैं थोड़ा सा इसको पकने दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैं इसलिए बीच में डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे और स्वाद बरकरार रहे। आप देखिए, बना करके बहुत टेस्टी बनता है ऐसे बना के। देखिए फ्रेंड्स, तेल ऑयल निकलने तक मैंने इसको पहले पकाया, फिर मैंने इसमें डाला टमाटर की प्यूरी जो कि मैंने कद्दूकस करके बनाई हुई है। इसके छिलके हट जाते हैं ऐसे डालने बनाने से। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी और मिर्च पाउडर, मसाला जो कि मैंने खुद बनाया है, नमक स्वादानुसार, और ये सब मिक्स करना है अभी इसको, और इसको ऐसे मिक्स करके ऑयल निकलने तक पकाना है अभी मुझे इसको। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है अभी इसमें, ये देखिए। अब इसको फ्लेम इसकी लो कर देनी है, और लो फ्लेम करके 2 मिनट तक मैंने इसको फिर पकाना है ढक्कन लगा के। ये देखिए, 2 मिनट के बाद ऐसा बन गया है ये। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के मलाई, जो कि घर की बनी हुई मलाई है, और ये ऑप्शनल है। और 1 चम्मच मैंने इसमें दही डाला, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, और डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला। पानी डाल के फिर इसको मैंने मिक्स किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैंने सारा पनीर इसमें डाल दिया है। पनीर डालने के बाद मैंने 2 मिनट इसको फिर पकाया, और फिर हरा धनिया डाला, और ये देखिए फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।